सीरियल तेरी मेरी डोरिया में कहने को ब्रार मेंशन एक बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में इसकी हालत तो झोपड़पट्टी से भी बदतर है। कोई भी इनके घर में घुसता है, किसी के भी कमरे में घुस जाता है, अजीब तरीके से बिहेव करता है, लेकिन ना ये बात कैमराज में आती है। और घर वाले और घर का स्टाफ तो एक नंबर आलसी है, उसे ऐसी किसी बात से मतलब ही नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि साइबा का आशिक रोमी अंगद के कमरे में घुस गया है और सोते हुए अंगद को धमकी दे रहा है। यही नहीं, वो घर के अखबार में पढ़ता है कि अंगद को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाला है और वो अखबार को फाड़कर वहीं फेंक देता है। एक बार और अंगद के कमरे में जाता है और सोते हुए अंगद को धमकी देता है कि ये अवार्ड वो उसकी जिंदगी का आखिरी अवार्ड बनाने वाला है। रोमी के अलावा इस सीरियल में जो दूसरा कैरेक्टर है, उसकी इरिटेशन तो इतनी हाई है कि उसके आगे आपको रोमी पर प्यार आने लगता है। आप सबने गेस ही कर लिया होगा कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ सीरत की, जिसने बेशर्मी में PhD कर रखी है। वो बिना किसी से पूछे अंगद के कमरे में घुस जाती है। माना अंगद की पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी आप और अंगद के बीच में एक दायरा होना चाहिए। आप हर समय उसके कमरे में यूं ही नहीं घुस सकती। कमरे में पहुंचकर वो साइबा की चीज़ों और फोटोज को ज़मीन पर फेंक देती है। और इतना ही नहीं, सीरत मैडम अंगद के पूरे कमरे का मेकओवर करा रही हैं, वो भी अंगद को बिना बताए। और इस सब में उसका साथ दे रही है अंगद की माँ मनवीर। सही कहावत कही गई है, चोर चोर मौसेरे भाई। दो लोग जो साइबा से बहुत नफरत करते हैं, आखिरकार वो साथ ही आ गए हैं। थोड़ी सेंसिबल इसमें दिखाई जा रही हैं बेबे, जो कि अंगद, सीरत और मनवीर तीनों से कहती हैं कि इस तरह से कमरा मेकओवर कराने से साइबा की यादें ना कमरे से जाएंगी, ना ही अंगद के दिल से।